हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सेम फली की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो यहाँ सेम फली की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ली है 250 ग्राम सेम फली, और यहाँ मैं सेम फली को पहले अच्छे से कट कर लूँगी। तो कट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को हम कट करेंगे, और इसके साइड में जो रेशे होते हैं हम उन्हें भी हटा देंगे। वन बाय वन हम इसी प्रोसेस के साथ बाकी सारी सेम फली को कट करेंगे। आप चाहे तो सेम फली को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में, या फिर एक सेम फली के आप सिर्फ दो पीसेस भी कर सकते हैं। और यहाँ हमने सभी सेम फली को कट कर लिया है, तो अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, और यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। तेल को गर्म होने देंगे, और यहाँ मैंने तेल में 1/2 चम्मच जीरा जीरा डाला है, 1/4 टेबल स्पून हींग डाली है, और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अभी मैंने कटी हुई सेम फली को ऐड किया है। अभी मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि सेम फली जो है अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी सब्जी जो है वो पक गई है कि नहीं। यहाँ हमारी सेम फली की सब्जी जो है पक गई है, तो अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करी है, 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपको गरम मसाला अगर अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है। और यहाँ फिर से थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएं और सब्जी के साथ सेट हो जाए। यहाँ सब्जी हमारी पक गई है, तो हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।